यह बहुत ही अच्छा। ये शिव जी का अंगूठा देखो यहाँ से देखने में आप लोगों को कैसा लग रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आया हूँ अलाहर से, लगभग कई किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर होगा जी लगभग? ये जोबल से ये बता दो तो पता लग जाएगा अलाहर से। यहाँ से 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर लगभग शाम के टाइम से मैं आया हूँ। और पीछे आप देख रहे होंगे नज़ारा। और हमें मिले हैं, इस साइड आ दो अंकल जी, आप एक अंकल जी मिले हैं। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? आपका शुभ नाम क्या हुआ? करण। करण जी है इनका नाम। और आप इसी गांव से? कौन से गांव से है जी? गांव भोजी। गांव भोजी से। तो इस जो ये है शिवपुरी लिखा गया है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? कोई विशेष बात, मतलब यहाँ पर क्या होता है जी इस जगह पे? यहाँ पर गांव के लोग और आस पड़ोस के गांव के लोग भी यहाँ घूमने आते हैं जी, घूमने आते हैं। और ये शिवपुरी है, इधर बैठने की जगह, पार्क हैं, पेड़ पौधे हैं जी, और अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं सैर के लिए जी। बहुत अच्छा पार्क है, मैं आपको पार्क दिखाता हूँ। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा, एक विशाल शिव जी की मूर्ति बनाई गई है। मतलब शिव जी की मूर्ति ने हमें इतना आकर्षित किया कि हम अलाहर से और भोजी गांव 20 किलोमीटर चल के आ गए, मतलब शाम के टाइम में भी। हमारे एक बड़े भैया जी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे देखना है, तो मैंने कहा चलो दिखा के लाता हूँ। और बड़ा ही अच्छा है। मैंने वहाँ पे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे मैं आया हूँ जी पहले भी। अच्छा। तो मैं वीडियो बना के ले गया था, भैया जी ने देख लिया हमारी वीडियो, तो कह रहे कि मुझे भी जाना है। बाकी दिखाता हूँ मैं बैक कैमरा। जैसे पानी की लहरें नहीं चलती उस तरह से, अगर इसके ऊपर स्केटिंग किया जाए ना तो क्या खतरनाक स्केटिंग होगी। और देख लो, और साथ में इधर ये रहे हमारे महादेव। मतलब कितना अच्छा ये मूर्ति है, मतलब देखने से मतलब नज़र नहीं हटती, मैं सच बताऊँ तो। और ऐसा लगता है कि बस इनके सामने यहाँ पर बैठे रहे। ये देखो जी, और इधर का ये पार्क एरिया भी है, शिवपुरी नाम रखा गया इस छोटे से पार्क का। काफ़ी अच्छा पार्क है, लोग शाम के टाइम यहाँ पर आते हैं। और हमारे अंकल जी ताला लगा रहे थे, मैंने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ जी, हम इतनी दूर से आए हैं तो थोड़ा सा देख के ही जाएंगे। तो इन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप इतनी दूर से आए हो तो देख के ज़रूर जाओ। तो हम थोड़ा सा सोचा मैंने कि थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ उधर वाला एरिया। ये देखो कितना अच्छा पार्क है, ये देखो जी, ये भी है। मतलब क्या ही बताऊँ, एक शहर के अंदर भी इस तरह का पार्क नहीं होता जो कि एक भोजी गांव के अंदर बनाए गए हैं। वो देखो जी, वो बैठने का है। और इधर से कितनी अच्छी फोटो आती होगी जी, क्या ही गजब। क्या ही बताएं, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। है बहुत ही अच्छा, गजब है पार्क। बाकी चलिए हम थोड़ा फोटो वगैरह भी शूट कर लेते हैं, और आपको मैं दोनों तरफ से दिखा देता हूँ यहाँ का नज़ारा। जो यहाँ शिवजी का मूर्ति है बहुत ही अच्छा, ये देखो जी क्या बात है। मतलब मेरे जितने हो जी, ये 4 फुट हो गया, 4 फुट ऊपर से ही तो मूर्ति बनाना स्टार्ट हुआ है। ये शिवजी का अंगूठा देख लो जी, मतलब हाथ में भी ना आए, इतना बड़ा विशाल मूर्ति है। अब देखो यहाँ से देखने में आप लोगों को कैसा लग रहा है, बहुत ही गजब। बनाने वाले कारीगर कहाँ से आए थे जी इसके? हाँ जी, बुटाना, ये नीलो खेड़ी के पास। अच्छा, नीलो खेड़ी के पास से, बुटाना। बुटाना, बुटाना से। तो कितना टाइम लग गया होगा जी लगभग बनाने में इनको? इसमें 1 साल तो मान के चलो। 1 साल तक जी। मटेरियल क्या, वही सीमेंट वगैरह ही लगे हुए हैं या? और कॉइल लगा होगा इसके अंदर तो मेरे ख्याल से। सीमेंट, बजरी और सरिया। सरिया भी कॉइल टाइप और उस तरह से लगाए होंगे। काफ़ी अच्छा है जी। तो अच्छा एक बात बताओ, जो जिस तरह कोई दूर से रास्ते से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो तो जरूर थोड़ा रुक के जरूर देखते होंगे। यहाँ पर हर आदमी सिर झुका कर ही जाता है। हाँ, सिर झुका के, क्योंकि मैं देखो एक बार मैं कार से आया था इधर से, तो जैसे ही देखा हमने, हमने कार आगे से फिर पीछे करी, वहाँ का भाई हम तो जाके आएंगे और एक फोटो जरूर खिंचवाएंगे। यहाँ से मान लो लोग बाग जो भी गुजरते हैं ना, हाँ, तो यहाँ गाड़ी रोककर
यहाँ पर घूमते जरूर हैं। हाँ घूमते जरूर है। एक शिव जी की मंदिर, मतलब हर किसी को श्रद्धा होती है, शिव जी तो सबके प्यारे ही है। हाँ। और हमारे भी है तो जरूर इन आकर्षित करते हैं। चलो बहुत अच्छा है जी। और मैं एक बार, अगर इस गांव में कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, अगर वीडियो देख रहे हैं। बाकी सबको एक तरह से धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा मूर्ति बनाया और हम देखने इतनी दूर से आए, एक टूरिस्टल प्लेस से भी कोई कम नहीं है, बहुत अच्छा है। चलिए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी गाइस, आपने इतना अच्छा देखा मंदिर, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप लोग भी क्या यहाँ पे आना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, एड्रेस मैं बताऊँगा, कैसे कैसे आते हैं वो मैं बताऊँगा, बाकी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।